ज्ञानवापी मामले में लगातार सुनवाई हो रही है और हर बार नई तारीख सामने आ रही है। वहीं आज फिर इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। तो क्या कुछ हुआ आज सुनवाई के दौरान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज की अदालत में चल रही है, जहां आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गयी और बाद में अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की डेट दे दी गयी है। वही दूसरी तरफ ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोकने और हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने के मामले में दायर याचिका पर भी सिविल जज की अदालत में सुनवाई हुई और इस पर भी अगली सुनवाई अब 8 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। इसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में 8 सप्ताह के अंदर फैसला देने के निर्देश का पालन हो पाएगा। दरअसल गर्मियों की छुट्टियों के चलते कोर्ट ने ये फैसला किया है। वहीं इस मामले में आज जिला जज की कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दलीलें रखी गयी कि अदालत को पूरे मामले को खारिज कर देना चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं के दावे पर आपत्तियां दर्ज कराई। बता दें, इससे पहले 26 मई को भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें दी गई थी, जिसमें केस को रफा दफा किए जाने की बात कही गई थी। वहीं इस मामले में अब तक कई मोड़ आ चुके हैं और दोनों ही पक्षों की तरफ से अलग अलग दावे पेश किए जा रहे हैं। हालांकि किसके दावों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगा। ऐसे में सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है और अब इस मामले की सुनवाई में 1 महीने से ज्यादा का समय है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।